ये है जिसका गेट, ये है, ये आप देख सकते हैं अंदर। कितना डर भी लगेगा भाई आते हुए, अभी जो मैं आया ऊपर। और ये जीना आमने सामने है। मोहब्बत नगर के नाम से चेंज करके इन्होंने नाम रखा मुजफ्फरनगर अपने नाम पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे। मैं हसन फैज, जिसको आप इस चैनल पे हसन ब्लॉग्स के नाम से जानते हैं, आज आ चुका हूँ एक और ऐतिहासिक जगह पे आप सबको लेकर, आप सबको घुमाने। और यकीन मानो व्यूअर्स, ये इतने ऐतिहासिक जगह है कि आपको इसका इतिहास सुनकर आप लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक मकबरा है, आज से 1000 साल पुराना ये मकबरा बताया जाता है। कि आपको दिखाता हूँ कि क्यों सब इसे नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्यूअर्स, एज यू कैन सी, ये मैं अपनी जानी से आया हूँ। सेम हर बार इसी अपनी जानी से बाइक से आता हूँ, या अपना हेलमेट या अपना कुछ सामान। और इसी के ठीक सामने ये है मकबरा, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसके जाने का रास्ता दो है, एक तो यहाँ से भी जा सकते हैं और चढ़ के जा सकते हैं। तो हम इस रास्ते से जाएंगे। और ये आप एरिया देख पा रहे होंगे, पूरा जंगल बयाबां है, क्योंकि ये कब्रिस्तान भी है। आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही सेफ्टी के साथ आएँ। ये है इसका अंदर जाने का रास्ता, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, और आप देख सकते हैं लिटरली कितना खौफनाक इसका मेन एंट्रेंस गेट है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारा जितना भी एरिया है, ये देखिए ये कितना छोटा सा एरिया है। यहाँ से होते हुए मैं आ चुका हूँ ये अंदर, और ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं कितना ऐतिहासिक मकबरा है ये। ये इसके अंदर जाने का है, अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आ चुका हूँ इस मकबरे के अंदर। और ऑल सेम, हमारे इंडिया में क्या बात होती है गाइस, कि जो भी ऐतिहासिक चीज़ होती है उसे बचा के नहीं रखते, उसे बल्कि तोड़ देते हैं। ऐसे ही इसके लिए कि मुझे हालत लग रही है, ये आप देख सकते हैं नाम लिख रखे हैं लोगों ने अपने, ये पूरा बिगाड़ रखा है इस मकबरे को। ये आप दीवारों पे देख सकते हैं ये नाम लिखे हुए हैं। ये कुछ अंदर का लुक है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये जो डोम का लुक है, पूरा मुगलाई दर्शन ये याद दिलाता है ये मकबरा। और आप देख सकते हैं इसमें एक बात नोट करें, एक गेट ये है और एक गेट ये है। तो ये 4 डायमेंशन में बना हुआ गेट है। तो उस टाइम जो होता होगा वो सैनिक यहाँ खड़े होते होंगे, क्योंकि उस टाइम ये पूरा इलाका राजा के अंडर में आता होगा, तो ये रखवाली करते होंगे जो यहाँ के सैनिक रहते होंगे। आज भी जंगल ही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक गेट तो ये है, ये आप देख सकते हैं एक गेट ये है, इसके बाहर भी पूरा जंगल है। और ये आप देख सकते हैं इसकी कारीगरी, देखिए व्यूअर्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसकी कारीगरी देखिए व्यूअर्स। और ये आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये पूरा इससे आगे ये खेत वेत हैं, ये जंगल है पूरा। ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारें और इसकी ईंटें, ये आप देख पा रहे होंगे ये ईंटें हैं इसकी। और ये जो, ये आप देख सकते हैं इसका गेट, इसकी गेट की बनावट आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। 1000 साल पुराना ये मकबरा है। और ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, ये इसकी कारीगरी, पत्थरों को कैसे तराशते थे, ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कारीगरी है। ये रोशनदान है, क्योंकि पहले के टाइम में लाइट होती नहीं रहती थी, तो उसकी वजह से ये बनाए जाते थे। और यकीन मानना व्यूअर्स, इस टाइम गर्मी काफ़ी हो रही है, लेकिन अंदर आने के बाद मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हो रही कि कोई गर्मी है। ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही है दूसरा गेट है, ये भी इसके ऊपर सेम, इसे कहते हैं रोशनदान, ठीक है, जो रोशन करे, जो रोशन रोशनी को दान करे, प्रदान करे अंदर, तो उसे कहते हैं ऐसे। ये तीसरा गेट है, इसके सामने भी रोशनदान है, यहाँ से हम आए थे। और ये है चौथा गेट, ये आप देख सकते हैं ये पूरा चौथा गेट है। और ये बाहर आने के बाद एक जीना ये है, ये आई थिंक ऊपर जाने के लिए है, एक जीना ये है, और आई थिंक उस तरफ भी जीने हैं ऊपर जाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक जीना ये है जो ऊपर जाने के लिए है, ये आप देख पा रहे होंगे, अभी ऊपर चल के भी आपको दिखाऊंगा। और एक जीना ये है, और ये आप बाहर से इसकी कारीगरी देख पा रहे होंगे, इतना तोड़ फोड़ के बाद भी ये अपने रंग दिखा रहा है। ये देखिए, ये उसी टाइम की कारीगरी है,
देखिए कितना पत्थरों को तराश कर करके ये मकबरा बनाया गया होगा। लिटरली इसमें 1, 2, 4 गेट हैं एंट्री करते के साथ ही, बीच में बहुत बड़ा सा बरामदा कह लीजिए आप, और ऊपर इसके ये डोम है, डोम के ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये भी कारीगरी का आपको दर्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये सारा आपको कारीगरी का दर्शन देखने के लिए मिल जाएगा हर तरफ, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा डोम है, आ चुका हूँ बाहर, और ये आप बाहर देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ये भी बताया जाता है ये उसी टाइम का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं कितना घना पेड़ है, ये आप देख पा रहे होंगे। ऊपर जाने में डर लग रहा है, लेकिन आराम आराम से चल के देखते हैं, जाके देखता हूँ कि आखिर क्या है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा ऊपर का एरिया है, और ये इसके स्टेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आराम आराम से ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है यहाँ और कैसे कैसे है। ये आप देख सकते हैं लिटरली व्यूवर्स, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ ऊपर कुछ हो ना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जाके मैं दिखाता हूँ। एक सैनिक खड़ा होता होगा पूरे एरिया पे नज़र रखने के लिए। ये पूरा गेट है और इसके आगे ही वही सेम ये बाहर खजूरी का पेड़ पूरा एरिया है, और ये आप ईंटें देख पा रहे होंगे अगेन वही जो मैंने आपको बहलने के किले में भी दिखाई थी। बहुत ही छोटा एरिया है क्योंकि ये मकबरा है। ये देखिए, ये मैं आ चुका हूँ भाई मकबरे के ऊपर। वर्षीय मैं आ चुका हूँ ऊपर, और बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ ये खेती खेत है। उसी टाइम भी जंगल ही हुआ करता था, और चलते हुए देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ लोग खेती करते हैं। है कुछ डोम, ये आप ऊपर से इसका मैं डोम आपको दिखाता हूँ, तो ये है इसका डोम। यहाँ पे भी 2 जीने हैं और यहाँ पे भी 2 जीने हैं, तो सीक्रेट रूम, और ये है कुछ डोम। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर ढाल सा जा रहा है, ये नीचे का लेंटर है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे इसका पूरा लेंटर है, और इसी के ऊपर ये एक और डोम बनाई गई। जो आप देख सकते हैं ईंटें, जब मैंने स्टडी करी थोड़ी तो मुझे पता लगा कि ये जो ईंटें होती हैं उन्हें लकोरी ईंटें कहा जाता है। और ये आप सीक्रेट रूम देख सकते हैं व्यूअर्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर का सीक्रेट रूम है, ये आप देख पा रहे होंगे। और कितना व्यूअर्स, सही में कितना डरावना लग रहा है ये सीक्रेट रूम। ये उस टाइम जब हमला हुआ करता था, ये राजा के लिए ये सेल्फ डिफेंस का, अपना सेल्फ मतलब खुद के बचाव के लिए एक रूम बनाया गया था। और ये 2 मीनार इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 जीना ये है जिसका गेट ये है, ये आप देख सकते हैं अंदर। कितना डर भी लगेगा भाई आते हुए अभी जो मैं आया ऊपर। और ये जीना आमने सामने है, और ये आप देख सकते हैं ये मेंटेनेंस ना रखने की वजह से कितना बिगड़ चुका है यहाँ का एटमॉस्फेयर। ही कारीगरी होती थी उस टाइम मुगलों की, जो कि आज तक यादगार रहती हैं हिंदुस्तान में और बाकी अन्य किले जो भी बनाए थे। नार येरी, एक येरी और एक ये रही और एक ये रही, ऐसी ही दूसरी तरफ है। और ये छोटी छोटी मीनारें हैं जो कि किले को, जो कि मकबरे को एक अलग ही खूबसूरती देती हैं। तो पहले मुजफ्फरनगर का नाम था मोहब्बत नगर। शाहजहां ने जब से विरासत में दिया था मुजफ्फर खान को ये शहर, तो फिर उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम चेंज करके इन्होंने नाम रखा मुजफ्फरनगर अपने नाम पे। तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं का ये मकबरा है। उसके बाद जहाँ मेरी दफनाई हो वो ये जगह हो, इस बारे में मुझे और हिस्ट्री नहीं पता कि अगर ये मकबरा है, क्योंकि कब्र भी होनी चाहिए, अगर ये मकबरा है तो कब्र भी होनी चाहिए, तो इस बात में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार। अगर ये मकबरा है, क्योंकि मकबरे में कब्र होती है, ठीक है, तो फिर वो कब्र कहाँ है सैयद मुजफ्फर खान की। तो वही वर्ष ऊपर का एरिया घूमने के बाद, मैंने आपको पूरा दिखाने के बाद, अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और आप खुद देखिए कि कितना छोटा एरिए में से होते हुए मुझे ये नीचे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना अंधेरा है, और ये कितना छोटा एरिया है। ये हम नीचे जाते हुए ये चल रहे हैं धीरे धीरे हम, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए व्यूअर साहब, वो अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो ये अंदर का मैंने पूरा आपको एरिया दिखाया, आप इसकी कारीगरी देखिए। ये इसका फ्रंट वाला गेट होता होगा उस वक्त। अपने इतिहास को ये भूल जाएंगे तो इतिहास हमें क्या याद रखेगा। तो यही मेरा मकसद है कि आप सबको अलग अलग जगह पे जाकर आपको वो चीज़ दिखाना जो आपने ना देखी। हम उस तरफ वाले जीने से गए थे, ये जो ऊपर जाके मिल रहा है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अंदर से तो मैंने आपको पूरा कवर करके दिखाया। और इसका ये जो एरिया है भाई, एक बात आप मेरी मानना, यहाँ आप दिन में ही आना अगर आप अकेले आ रहे हो, और कोशिश करना के साथ में एक आधा है, क्योंकि भाई हर किसी का दिल मजबूत नहीं होता। एक तो यहाँ कब्रिस्तान का ये पूरा एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारी कब्र है, ये जितना भी एरिया है ये सारी कब्र है। 3.5 से 4 बीघे में कम से कम बना हुआ है जितना भी पूरा एरिया है, ये पूरा
मकबरे का ही एरिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका कुछ यहाँ से लुक, और इसका जो आप लुक ध्यान से देखेंगे वो इधर से आप देखेंगे तो ये भी एक है, ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे ताजमहल में है कि आप दूसरी तरफ से देखते हैं वो जब भी एक लगता है, पीछे से देखते हैं जब भी एक लगता है, ऐसे ही इसमें है। इधर से देखेंगे ये जब भी एक लगेगा आपको, और आप इधर आप मेरे साथ आ जाइए, इधर से देखेंगे ये जब भी एक ही दिखाई देगा आपको, और आप ऐसे ही उस तरफ से देखेंगे ये जब भी आपको एक ही दिखाई देगा। सामने ये पूरा ये कब्रिस्तान है, ये इसकी बाउंड्री है जिसपे बुनियाद है, जिसपे ऊपर ये पूरा तामीर है। आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इससे कुछ जानने को मिला होगा। जो भी मैंने इसके बारे में हिस्ट्री बताई, इसकी बनावट दिखाई, इसकी कला दिखाई, इसकी तकनीक दिखाई, इसके बारे में बताया, इसका एरिया बताया, ये जो जगह पड़ती है वो मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में पड़ती है। आप गूगल मैप पे डाल के देखेंगे तो मुजफ्फरनगर से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर दूर कवाल गांव पड़ता है। लाइक करना, इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट अब मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।